वेलकम टू स्टडी मटेरियल बाय डीएस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस में। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूँ नेवी अगस्त 2019 बैच के उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके जो फाइनल मेरिट है वो कुछ ही देर में आने वाली है। इससे पहले कि आप लोग क्वेश्चन करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी ऑफिशियल टाइमिंग दे रखी है वो थी 7 बजे, यानी कि आज यानी कि 20 जून को शाम 7 बजे आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आने का वहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो 7 तो बज चुके हैं, अब देखते हैं कितनी देर में आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आती है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स ने लॉगिन करके रखा है, इस वजह से साइट बिजी है और हो सकता है कि कुछ ही देर में आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आ जाए। जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ से आपको हर एक अपडेट बहुत जल्दी पहुँचाई जाती है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी आपकी फ़ाइनल मेरिट आई नहीं है, तो आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि चाहे डबल ए हो या फिर SSR हो, आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो या फाइनल मेरिट जो है वो कितनी रह सकती है, क्या उन कैंडिडेट्स का कुछ हो जाएगा जिनके नंबर जो हैं वो 30 हैं। इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे और आपको स्टेट वाइज मैं भी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा, और आप लोग इसे बिल्कुल दिल पर मत लेना, हो सकता है आपके नंबर इससे कम में भी आपका काम चल जाए। बस मैंने अपनी एक्सपेक्ट कट ऑफ आपको बताई है क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे SSR के स्टेट वाइज कट ऑफ के ऊपर। तो जो मैंने पहले दे रखा है ये आपको जो दिख रहे हैं ये है पिछली जो आपकी वैकेंसी आई थी वो फरवरी बैच वाली, और ये है अगस्त बैच वाली। तो सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा की कट ऑफ की, तो पिछली बार थी 45.25 और इस बार आपकी बढ़कर 46 नंबर रह सकती है। राजस्थान की पिछली बार थी 43, इस बार हो सकती है 45। यूपी की थी 41.5 और अब हो सकती है 44। बिहार की थी 42, हो सकती है बढ़ के 44। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है इससे कम या फिर इससे भी ज़्यादा चली जाए। तो ये फिर आपको किसी भी तरह से इस बारे में मुझे कमेंट नहीं करना है, बस मैं अपने मन के विचार आपको बता रहा हूँ, आपके जो विचार हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। झारखंड की जो आपकी पिछली वाली कट ऑफ थी वो थी 33.50, हो सकता है 2 नंबर बढ़ जाए और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 35.50 हो जाए। हरियाणा यानी कि HP का मतलब है हिमाचल प्रदेश, जो कि पिछली बार थी 37, अब हो सकती है 40 नंबर। मध्य प्रदेश यानी कि MP की थी 35, अब बढ़ के जा सकते हैं 38 नंबर। महाराष्ट्र की पिछली बार थी 18 और हो सकता है इस बार आपकी 21 नंबर चली जाए। इसके अलावा गुजरात की आपकी जो थी पिछली बार थी 19 नंबर, हो सकता है इस बार 24 नंबर हो जाए। और कर्नाटक की जो थी पिछली बार 17.25 थी, तो इस बार इसमें बढ़ोतरी के साथ हो सकता है ये 22 नंबर हो जाए। तो ये थी SSR की स्टेट वाइज कट ऑफ पिछली बारी, और इस बार मैंने अपना जो एक्सपेक्शन बताया वो। इसके बाद अगर हम बात करें डबल ए की कट ऑफ की, तो आपको पता होगा कि जो डबल ए की कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया एक ही होती है। तो इस बार आपकी जो ऑल इंडिया कट ऑफ डबल ए की होगी वो हो सकती है 49 नंबर। तो अब बात फिर आती है कि जिन कैंडिडेट्स के जो 30 नंबर हैं क्या उनका हो सकता है, तो दोस्तों इसका जवाब है कि डबल ए में तो उनका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, चाहे कट ऑफ 49 रहे, 45 रहे या कुछ भी रहे, लेकिन कट ऑफ 30 नंबर कभी भी नहीं जा सकती। तो जिन कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं डबल ए के अंदर अगर 30 नंबर हैं तो उनका नहीं होना है। हाँ, अगर आपके नंबर जो हैं वो SSR के अंदर अगर 30 हैं, तो आप इन 3 स्टेट्स यानी कि देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, अगर इन जो वो स्टेट हैं इनसे अगर आप रिलेटेड हैं या फिर इन लोगों इनसे बिलोंग करते हैं, तो फिर आपके 30 नंबर भी आपको यहाँ पर फाइनली नेवी के अंदर ज्वाइन करा सकते हैं। बाकी आपकी जो टाइमिंग है, जैसे ही कट ऑफ आती है हम आपको अपडेट कर देंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा। और किसी भी तरह की अगर जानकारी आपको ख़राब लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और नई नई अपडेट का जो अपडेशन है आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा और हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जैसे ही फाइनल मेरिट आती है उस वीडियो के साथ। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।